on our YouTube channel, that is Easy Learning. I hope you all are better and safe. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट को कनेक्ट करने के बारे में. हम लोगों ने बहुत सी वीडियोस देख ली, वेबसाइट, वेब सर्वर, प्रोटोकॉल्स, वेब सर्विसेज, ये सब. लेकिन हम लोगों ने इंटरनेट भी पढ़ लिया, पर इंटरनेट को एक्चुअल में कनेक्ट कैसे करते हैं वो हमने नहीं पढ़ा. सो आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे कनेक्टिंग ऑफ इंटरनेट. बेसिकली जो इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है वो तीन तरीके से किया जाता है. इंटरनेट को तीन तरीके से कनेक्ट किया जाता है. फर्स्ट वन इज अ डायलअप कनेक्शन, सेकेंड वन इज अ ब्रॉडबैंड, और थर्ड वन इज अ वायरलेस, जिसमें आपके वाईफाई वगैरह आते हैं. ठीक है. सो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करने वाली हूं कि व्हाट इज अ डायलअप कनेक्शन. देखो डायलअप कनेक्शन बेसिकली होता क्या है ये देखिए. आप हम लोगों को जब दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, क्या जब दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, या दो डिवाइसेस को मैं बोल सकती हूँ आपस में कनेक्शन करना है, उस कनेक्शन को करने के लिए मुझे एक कनेक्शन की नीड होती है, तो उस कनेक्शन को मैं डायलअप कनेक्शन बोल सकती हूँ. लेकिन ये आपको क्लियर नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल ये एक कंप्यूटर है, एक डिवाइस है, और एक ये डिवाइस है. मुझे कुछ डेटा को, मुझे कुछ फाइल्स वगैरह सेंड करनी है, तो मैं किस तरीके से करूं? मेरे पास कोई कनेक्शन तो है नहीं है, तो मैं किस तरीके से करूं? तो उस कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, यानी ये इस तरीके से जो कनेक्शन बनेगा उस कनेक्शन के लिए मुझे कुछ ना कुछ मेथड की जरूरत होगी. आइदर कि मैं डायलअप कनेक्शन यूज करूं, और मैं ब्रॉडबैंड करूं, और मैं वायरलेस यूज करूं, पर मुझे किसी ना किसी कनेक्शन को स्टेब्लिश करने की तो नीड होगी. सो वही सबसे पुराना कनेक्शन, सबसे पहले जो स्टेब्लिश किया गया था, दैट इज अ डायलअप कनेक्शन. अब डायरेक्ट कनेक्शन में करते कैसे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए क्या हुआ, ये आपकी कोई एक डिवाइस है, ठीक है, ये आपकी डिवाइस है, सपोज मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई ना कोई आपकी डिवाइस है, ठीक है. अब क्या हुआ कि इस डिवाइस, ये कंप्यूटर मान लो, अब आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है, आपको ये जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करनी है. तब क्या होगा, पहले के टाइम में क्या हुआ, अब भी होता है, एक टेलीफोन लगाया गया. ये टेलीफोन है, सपोज दिस इज अ टेलीफोन वहां पर उस टेलीफोन पे आप कुछ नंबर्स डायल करोगे, जैसे कि पहले टाइम में हम लोग नंबर डायल करते थे, जैसे *110, इस तरीके से कुछ नंबर्स होते थे जो आपको नेट कनेक्ट करने के लिए दिए जाते थे. जैसे ही आप नंबर डायल करते थे, सो ये रिक्वेस्ट अपने नियरेस्ट टावर के पास भेजता था. क्या करता था, नियरेस्ट टावर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजता था. अब फॉर एग्जाम्पल ये बिजी है, या यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई, तब ये क्या करता था, ये टावर एक दूसरे टावर को रिक्वेस्ट भेजता था, ये दूसरे टावर को रिक्वेस्ट भेजता था, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई. अगर फुलफिल हो गई तो ये सर्वर से कि आपकी, आप सही हो या नहीं हो, ये चेक करके आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता था. लेकिन अगर सपोज अभी भी आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं है, तो ये दूसरे टावर के पास रिक्वेस्ट सेंड करता था, ठीक है. ये भी आप ऐसी मान लो ये दूसरा टावर है, ड्राइंग पर मत जाओ, मैं समझाने के लिए बता रही हूं. और फिर यहां पर एक होता था सर्वर, जिसे हम, मैं बोलती हूँ, मैं ISP भी बोलती हूँ, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. जैसे आपने किसी कंपनी का जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, अभी आप जियो का कर रहे हो, एयरटेल का कर रहे हो, इस तरीके की जो आपकी कंपनीज होती थी जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो यहाँ पर है, ठीक है. अब इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने इसको, अभी यहाँ पर भी आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती तो वो आगे जाता एक और टावर के पास. अब यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हुई तो वो ISP पे चेक हुआ, जैसे ISP पे कि हाँ हमारी रिक्वेस्ट सही है, हम सही हैं, तो क्या होता था, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता था.
और आप इस तरीके से इंटरनेट को चलाते थे, अपनी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते थे, जीरो को डाउनलोड अपलोड ये सारी चीजें करते थे। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा डायलॉग कनेक्शन। और जो इसकी स्पीड होती है वो 56 KBPS तक मैक्सिमम होती है। KBPS यानी किलो बाइट पर सेकेंड तक आपकी स्पीड होती है, 56 KBPS तक। किसकी स्पीड? आपकी डायलॉग कनेक्शन की। डायलॉग कनेक्शन में क्या होता है, दो कंप्यूटर्स को या दो डिवाइसेस का या दो से ज्यादा डिवाइसेस को भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक टेलीफोन या एक मोबाइल की, जिसमें वो रिक्वेस्ट हमारी टावर के पास जाती है। अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो एक दूसरे टावर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वहां से भी अगर फुलफिल हो गई तो वो हमारी जो ISP के पास रिक्वेस्ट जाती है, और ISP के थ्रू हमारा सर्वर से हमारी कंप्यूटर, हमारे जो डिवाइस है वो उसका कनेक्शन एक एस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरीके से हमारा डायलॉग कनेक्शन परफॉर्म करता है। समझ में आया? डायलॉग कनेक्शन में दिक्कत ये आई कि भाई देखो, एक टेलीफोन है, आप या तो उससे कॉल कर सकते हो या आप नेटवर्क नेट चला सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अभी किसी का इन बिटवीन कॉल आ गया तो आपका पूरा कनेक्शन ब्रेक हो गया, वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है। एक टेलीफोन से जब आपका कनेक्शन है तो आप एक बार में एक टेलीफोन पर एक ही काम कर सकते हो, या तो कॉल कर सकते हो या इंटरनेट चला सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज, तीसरा इसकी स्पीड सब बहुत ही कम होती थी। चौथा डिसएडवांटेज, इस डायलॉग कनेक्शन के थ्रू हम लोग डेटा को तो एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन डेटा के अंदर हम लोग टेक्स्ट वगैरह नॉर्मल कम MBPS की कम हमारा बिट्स की जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वही सेंड कर पा रहे थे। हम लोग पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो ये सब सेंड नहीं कर पा रहे थे, तो ये इसकी डिसएडवांटेज बन गई। अब इसकी जो डिसएडवांटेज हुई उस पर ही एक और हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया। भाई जब इतना ज्यादा डिसएडवांटेज है किसी कनेक्शन में तो वही है ना कि आविष्कार हो गया, अब नई नई उस पर रिसर्च होगी, तो एक और कनेक्शन बनाया गया जिसको हमने बोला ब्रॉडबैंड कनेक्शन। क्या बोला गया? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये समझ में आया आपको अच्छे से? अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। देखो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या हुआ, ये है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब इसमें क्या हुआ इतना समझो, इसका मतलब है ब्रॉडबैंड यानी इसकी जो बैंडविड्थ है उसकी क्या थी, डायलॉग की बहुत कम थी, 56 KBPS तक की स्पीड थी, बैंडविड्थ बहुत कम थी। बैंडविड्थ कम का मतलब हम लोग ऑडियो वीडियो सब सेंड नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है ब्रॉडबैंड, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बैंड यानी बड़ी बैंडविड्थ, ब्रॉड यानी बड़ा, तो जिसकी बैंडविड्थ बड़ी है वो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश किया गया दैट इज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ये हम लोग आज भी यूज करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब इसमें क्या हुआ देखो, कनेक्शन सिमिलरली सेम तरीके से ही किया गया, बस इसमें क्या है, आपकी जो कोएक्सियल केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ये सारी केबल्स यूज, अच्छी केबल्स यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन कैसे होता है देखिए, ये आपका लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर है, कोई डिवाइस है, आपकी डिवाइस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, यहां पर DSL जानते हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज होती है बेसिकली वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज होती है। डिजिटल का मतलब जो हमें डिजिटली प्रोवाइड करे, देखो आपका जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब डिजिटल, आप लोग जो देख रहे हो वो डिजिटली तो देखते हो, तो इसमें क्या यूज होने लग गया, मॉडम, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वहां पर मॉडम यूज होने लगा है। तो ये सपोज एक आपका राउटर लगा है, राउटर के जरिए क्या हो रहा है, राउटर के जरिए या तो वाईफाई के थ्रू, या तो वाईफाई के थ्रू या एक लैन केबल के थ्रू जो हमारा डिवाइस है वो कनेक्ट है, या तो वाईफाई के थ्रू या लैन के थ्रू, लैन केबल के थ्रू हमारी जो डिवाइस है वो कनेक्ट है। राउटर से हमारी डिवाइस कनेक्ट है, अब इधर लगा है मॉड्यूलेटर, मॉडम, क्या लगा है, मॉडम। अब इस मॉडम का काम होता है, मॉडम का काम होता है चेंज डेटा फॉर डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। मॉडम की मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर।
मॉडम का सिंपल सा मीनिंग होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, मॉड्यूलेटर का काम होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में वापस से कन्वर्ट कर दे। यहां पे आपका लगा होता है फिल्टर, 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 और यहां आपका होता है जो भी आपका टेलीफोन लाइन हो या कुछ भी बोल सकते हो, आपका टेलीफोन लगा है। ये क्या करता है, जो आपके फ्लैश फ्लैश सिग्नल है उनको आगे आपके जो मेन सर्वर्स हैं, टावर से वहां तक पहुंचाता है, वो एक आपकी डीएसएल लाइन से कनेक्ट होते हैं और सर्वर पर जाते हैं। इस तरीके से कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। देखो क्या होता है, एक और बार क्लियर कर दूं, नहीं समझ पाया, आपकी डिवाइस है कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ये सब, वो एक राउटर से कनेक्ट होता है। राउटर एक एक स्विच की तरह काम करता है। राउटर से या तो आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल डिवाइसेस है वो वाईफाई के जरिए कनेक्ट होंगे, या एक लैन यानी आपकी लैन वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे, जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। एक मॉडम राउटर से क्या कनेक्ट होता है, मॉडम। मॉडम का काम क्या होता है, मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे। अब ये मॉडर्न के बॉर्डर में ही फिल्टर लगा होता है जो हमें फ्रेश सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी क्लीन करके नॉइज वगैरह को रिमूव करके फ्रेश सिग्नल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूलेटर होता है ये हमारी डीएसएल लाइन से कनेक्ट होता है, डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसके थ्रू हमें डिजिटल सिग्नल मिलते रहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमें डिजिटल सिग्नल मिलते रहते हैं और सर्वर पर जाके वापस से हमारा इस तरीके से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, इस तरीके से हमारे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। इसकी जो स्पीड होती है, बेसिकली जो इसकी स्पीड होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 128 kbps से ऊपर की होती है, 128 kbps से ऊपर की होती है इसकी स्पीड, और अप्रोक्स 50 mbps तक की इसकी स्पीड होती है। 120 kbps से ऊपर की स्पीड होती है और अप्रोक्स 50 mbps तक की स्पीड होती है। इसका इससे फायदा क्या हुआ, हमने डायल अप की जगह ये यूज किया, हम लोग ऑडियो वीडियो पिक्चर्स भी सेंड कर पा रहे हैं। अब जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिससे हम ज्यादा विड्थ का डेटा भी सेंड कर पा रहे हैं, टाइमिंग कम लग रहा है, कनेक्शन इजीली हो रहा है, और एक डिसएडवांटेज जो मेन वहां का था कि अगर हमारा जो टेलीफोन है जिससे कनेक्ट है उससे आप या तो नेट चला पाओगे या आप कॉल कर पाओगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे आप कॉलिंग भी कर सकते हो और इंटरनेट भी चला सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए बेसिकली जो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो दो तरीके के होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। क्या होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दो तरीके के होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का सीधा सा मतलब है, एसिंक्रोनस का सीधा सा मतलब है जहां पे बराबर की हिस्सेदारी ना हो, यानी आपका जब आईएसपी जब इंटरनेट आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं तो दो तरीके के प्रोवाइड करती हैं, एक होते हैं एसिंक्रोनस, एक होते हैं तो सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस यानी जहां पे आपके जो डाउनलोडिंग डाउनलोड के लिए स्पीड दी जाती है वो 75% दी जाती है, अपलोडिंग के लिए 25% दी जाती है, और सिंक्रोनस में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए 50-50%। जो एसिंक्रोनस होता है मोस्टली वो हम लोग घर वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर हम डेटा को चीजों को डाउनलोड ज्यादा करते हैं अपलोड कम करते हैं, और जो सिंक्रोनस है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज किया जाता है जहां पर हम अपलोड ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू डाउनलोड, तो वहां पर अपलोड और डाउनलोड के लिए जो स्पीड दी जाती है वो सेम दी जाती है। लेकिन जो एसिंक्रोनस है वहां पर आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, आप कोई फाइल अपलोड करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, एज कम्पेयर टू आप डाउनलोड करते हो तो आपको कम टाइम लगता है, ड्यू टू द रीजन हम एसिंक्रोनस यूज करते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस का मतलब होता है जहां पर बराबरी, एसिंक्रोनस का मतलब जहां पे बराबर नहीं है, बराबर से हमें इंटरनेट की रेंज नहीं मिल रही है, सिंक्रोनस यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल है, बराबर बराबर, इतना क्लियर हुआ। अब हमारा एक लास्ट बचा, ये जो कनेक्शन ऑफ इंटरनेट है दो तरीके के मैं आज करा चुकी हूँ, फर्स्ट इज डायल अप कनेक्शन एंड सेकेंड वन इज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन।
अब एक लास्ट बचा है वो हमारा वायरलेस, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।